वेलकम बैक एवरीवन। इस एपिसोड में बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड के बारे में। बेसिकली अपडेट लेंगे एंड यहाँ पे क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। अच्छे रिजल्ट्स रहे, बैंकिंग एक्टिविटी यहाँ पे जो है ग्रो हो रही है इंडिया के अंदर। इन लोग का ऑल्दो जो फोकस है, जो मैनेजमेंट चेंज आया था उसकी वजह से यहाँ पे इनका फोकस शिफ्ट हुआ एंड अभी इन लोग का फोकस जो है वो कॉर्पोरेट लेंडिंग पे थोड़ा सा ज्यादा है। मैनेजमेंट ने जो चेंज लाया है ना वो बहुत इम्प्रेसिव है, जिसकी वजह से ही आप स्टॉक में एक टर्न अराउंड भी देख रहे हैं। 7800 करोड़ का मार्केट कैप है, इंडस्ट्री का भी 13 पे, स्टॉक का भी काफी नीचे है। प्राइस टू बुक 1.17 है, पेग रेशियो 0.38 है। तो काफी मतलब आपको अच्छा देखने को मिलेगा इस समय पे। यहाँ पे ग्रॉस एनपीए 5.87% के आसपास है इस पर्टिकुलर कंपनी का और नेट एनपीए 2.87 है। हमें लगता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ नजर आ सकता है। सर्टनली एक बार क्वार्टर फोर के रिजल्ट आएंगे, जब एनुअल रिपोर्ट्स भी आएंगी तो हमें ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस तरीके से मैनेजमेंट देखता है कि वो अपने एनपीए को और थोड़ा सा कंट्रोल में लाते हैं। दिसंबर 2023 में एक अच्छा रेवेन्यू नंबर हमें देखने को मिला। फाइनेंसिंग मार्जिन नेगेटिव था यहाँ पे ऑल्दो कंपनी का एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी जो है, फाइनेंसिंग प्रॉफिट सॉरी यहाँ पे नेगेटिव था। 452 करोड़ का अदर इनकम था, 305 करोड़ का नेट प्रॉफिट बना। और दिसंबर 2022 की बात करें तो अदर इनकम नेगेटिव के अंदर थी। यहाँ पे अदर इनकम का कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बैंक के लिए। तो ये रिजल्ट्स जो थे थोड़े से ट्विस्टेड थे और दिसंबर 2022 के, बट 2023 के रिजल्ट्स हमें बहुत ही अच्छे नंबर्स पे देखने को मिले। इनफैक्ट इसके अराउंड काफी सारी न्यूज भी आपको देखने को मिल जाएगी जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एक बार यहाँ पे साउथ इंडिया बैंक का हम लोग लास्ट डिविडेंड रिकॉर्ड भी देखते हैं या फिर जो भी कॉर्पोरेट एक्शन लिया होगा। 17 अगस्त 2023 को 30 पैसे का डिविडेंड दिया हुआ है कंपनी ने। एनुअल लेवल पे देखो रेवेन्यू जो है ग्रो हो रहा है वापस से। अप अंटिल 2017 कोई स्टैटिक ग्रोथ नहीं थी, कोई बहुत मेजर ग्रोथ नहीं थी, बट उसके बाद में एक टर्न अराउंड आ रहा है यहाँ पे, विच इज अ गुड थिंग। 10,000 करोड़ का रेवेन्यू जब भी कम्प्लीट होगा तो वो एक अच्छा बेंचमार्क होगा कंपनी के लिए। यहाँ पे बॉटम लाइन जो है वो इम्प्रूव हुई है बहुत ही ज्यादा तेजी से एंड जिसकी वजह से भी एक टर्न अराउंड हम देख पा रहे हैं स्टॉक में। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का आपके स्क्रीन पर है। मैक्सिमम स्टेक पब्लिक के पास में, ऑल्दो अब डीआईएस ने भी इसमें अपने इंटरेस्ट को वापस से जगाया है तो वो एक अच्छा पॉइंट है। चार्ट्स पर डिस्कशन करते हैं। देखो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है यहाँ पे साउथ इंडिया बैंक में। क्लोजिंग मिली है 2010 की रेजिस्टेंस है ये जिसको ब्रेक किया है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है। तो एक चीज आप ये समझो कि यहाँ पे वॉलेटाइल ज्यादा होगा स्टॉक एंड पुल बैक्स जो है वो आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इस चीज को तो आपको पॉसिबिलिटी को कंसिडर करके चलना ही है यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल है 48.44 का लेवल है एंड उसके बाद में 67.39 के लेवल है। देखो 48 का लेवल तो इज स्टिल वेरी क्लोज एंड वो अगर स्टॉक अचीव कर भी लेता है तो ये जो जोन है ना यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हर छोटे एंड पे रेजिस्टेंस है। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन दिस पर्टिकुलर जोन। बट अभी हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा करंट लेवल्स पे। देखो थोड़ा सा चार्ट और जूम कर लेते हैं फिर थोड़ी सी क्लैरिटी ज्यादा होगी। हाँ एक चीज समझो, यहाँ से ये जोन कितना है देखो परसेंटेज वाइज बात करते हैं थोड़ा सा ना इजी रहेगा। ये जोन है ऑलमोस्ट 41% का। अब पुल बैक करंट लेवल पे आए या फिर पुल बैक यहाँ से ऊपर जाने के बाद में आए, इट डजंट मैटर, बिकॉज यहाँ पे एक ही मोमेंटम में चलता हो अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप ये समझो कि मान लो चला गया तो आप ये समझो कि तब जब पुल बैक आएगा ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड वहां से रिकवरी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होगी। अभी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से पुल बैक की तो इनिशियली 34.30 पे स्टॉक आता है एंड उसके नीचे हल्का सा चला भी जाता है इन लेवल्स तक, 32.95-32 तक भी चला जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ यार ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू होगा। इधर यहाँ पे स्टॉक जो है जो करंट लेवल है यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा रुक जाए, इस लेवल पे कंसोलिडेट करे, बिकॉज आप देखो स्टॉक ना बहुत ही ज्यादा तेजी से भागता हुआ है इस लेवल से। अगर आप देखोगे तो 22 दिन के अंदर 43% के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है। तो हमें लगता है वो एक चीज है जो यहाँ पे आपको समझनी है। हाँ अगर ये पैटर्न बन के कंटिन्यू हो रहा है ना कि एक और बार ब्रेकआउट आ रहा है फिर थोड़ा सा रुक रहा है स्टॉक एंड वापस मोमेंटम आ रहा है तो ये जो है अच्छा आपको जोन मिल सकता है स्विंग के हिसाब से, वो आप देख सकते हैं। एंड करंट लेवल पे ले रहे हो, स्टॉप लॉस की बात करें तो नीचे रहेगा, 31.50 का लेवल रहेगा। प्रीवियस पोजीशंस अगर आपके पास में है, अगर मैं आपकी जगह पे होता तो सर्टनली यहाँ पे होल्ड करता, बट विद दैट सेड
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।